हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत और आप सबका गीत के चैनल में स्वागत है। आज हम कच्चे पपीते की भुर्जी स्टाइल सब्जी बनाएंगे। इस सब्जी को बनाने में सिर्फ 10 से 12 मिनट का समय लगेगा और इसके साथ ही ये खाने में बहुत ही अच्छे बनके तैयार हुई है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कच्चा पपीता लिया है, जिसे मैंने छील लेने के बाद इसे ग्रेट करके तैयार कर लिया है। ग्रेट कर लेने के बाद अब इसका वेट करीब 125 ग्राम है। अब हम सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए कढ़ाई में 2 छोटे चम्मच घी गरम कर ले। घी जब गरम हो जाए, इसमें सबसे पहले 1/2 छोटा चम्मच जीरा ऐड कर लें। इसके बाद इसमें 2 तेज़ पत्ते और 5 से 7 करी पत्ते ऐड कर लें। इतनी चीज़ें ऐड कर लेने के बाद इसे एक बार मिला लें और फिर इसमें ग्रेट करा हुआ कच्चा पपीता इसमें ऐड कर लें। इसके साथ ही इसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सब्जी को देसी घी के साथ बनाया है, इससे सब्जी का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। इसकी जगह पे आप वेजिटेबल ऑयल के साथ भी इसे बना सकते हैं। पपीते को कुछ देर अच्छे से मिला लेने के बाद अब इसे कवर करके करीब 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे और फ्लेम को मीडियम में रखेंगे। करीब 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम में पका लेने के बाद अब हम ढक्कन हटाकर इसे एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। पपीता हमारा लगभग पक चुका है, पर इसमें अभी थोड़ा सा कच्चापन बचा हुआ है। इस वक्त हमें इसे इतना ही पकाना है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और इसे एक बाउल में निकाल कर साइड में रख देते हैं। अब हम सब्जी के लिए मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी गरम कर लें। घी जब गरम हो जाए, इसमें सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच कुटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 5 से 7 लहसुन की कली, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्ची को खलबत्ते में कूट कर इसे तैयार कर लिया है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम में हल्का ब्राउन कलर आते तक के फ्राई कर लेंगे। कुछ देर के बाद जब अदरक और लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाए और इसका कलर चेंज होने लगे, इसमें हम 1 बड़ा प्याज ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ और इसे भी अदरक और लहसुन के साथ करीब 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप प्याज को ग्रेट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर इस तरीके से बहुत ही बारीक सा काट कर इसमें ऐड कर लें। कुछ देर प्याज को फ्राई कर लेने के बाद जब ये नरम हो जाए, इसमें हम बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को बहुत ही बारीक सा काट कर इसमें ऐड कर लिया है। टमाटरों को भी आप चाहो तो ग्रेट कर सकते हैं, पर टमाटर और प्याज की आप प्यूरी नहीं बनाए, नहीं तो जो सब्जी का टेक्स्चर है वो इतना अच्छा नहीं आएगा। टमाटरों को मिला लेने के बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इसे भी सभी चीज़ों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे कवर करके करीब 1.5 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे और फ्लेम को मीडियम में रखेंगे। दो मिनट के बाद टमाटर अब अच्छे से पककर नरम हो गए हैं। इसे इस तरीके से चम्मच से दबाते हुए अच्छे से मिला लें और अब इसमें हम एक एक करके सभी मसाले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इतने मसाले ऐड कर लेने के बाद इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम मसालों को बाकी चीज़ों के साथ करीब 25 से 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। भूनते समय फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर लें और इसे लगातार चलाते रहें, जिससे कि ये कढ़ाई में लगे ना। कुछ देर के बाद जब कढ़ाई के साइड में घी दिखाई देने लगे और मसाले अच्छे से पक जाएं, इसमें 2 बड़े चम्मच पानी ऐड कर लें। पानी को भी सभी चीज़ों के साथ अच्छे से मिला लें। अब हमारी सब्जी के लिए मसाला बनकर तैयार है। अब इसमें हम पहले से पका हुआ पपीता ऐड करेंगे और पपीते को भी इसी में अच्छे से मिला लेंगे। पपीते को मसाले में अच्छे से मिला लेने के बाद अब इसमें करीब 3 से 4 बड़े चम्मच पानी ऐड करेंगे। पानी की क्वांटिटी यहाँ आप अपनी पसंद से
कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको सूखी सब्जी पसंद है तो पानी की क्वांटिटी आप कम कर लें, और अगर ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी पसंद है तो पानी की मात्रा को थोड़ा बढ़ा लें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेने के बाद अब इसे कवर करके आखिरी के 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। फ्लेम को इस वक्त मीडियम में रखेंगे। 2 से 3 मिनट पका लेने के बाद अब ढक्कन हटाकर इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब हमारे कच्चे पपीते की सब्जी लगभग बनकर तैयार है। इसमें से अब तेज पत्ते को अलग निकाल लेते हैं और इसमें अब बची हुई चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला या किचन के मसाला ऐड करेंगे। सब्जी मसाला की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसके साथ ही इसमें 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे सभी चीज़ों के साथ मिलाते हुए करीब आधा 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। कुछ देर अच्छे से मिला लेने के बाद अब हमारे कच्चे पपीते की सब्जी बनकर तैयार है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत अच्छी बनकर तैयार भी हुई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। सब्जी को मैंने बारीक कटा हुआ प्याज और हरे धनिया के साथ गार्निश किया है। ये बहुत अच्छी रेसिपी है। जब आप इसे बनाकर सर्व करोगे तो हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने इसे कैसे बनाया है। इसे ज़रूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।